नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। अजा एकादशी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। अजा एकादशी 2020 में 15 अगस्त शनिवार को मनाई जाएगी। हर महीने में दो बार एकादशी आती है। वहीं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में ही एकादशी का व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं अजा एकादशी व्रत कथा। भाद्रपद माह की एकादशी के बारे में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। इससे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। हरिचंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। समय की मार पड़ने के कारण उसे अपना राजपाट छोड़ना पड़ा। वो चांडाल का दास बनकर जिंदगी बिताने को मजबूर था, लेकिन वो अपनी ऐसी जिंदगी से खुश नहीं था। हर पल सोचता था कि किससे जाकर अपना दुख कहूँ, क्या कोई मेरी परेशानियों को मुझसे दूर कर पाएगा। कई महीनों तक कोई रास्ता उसे नहीं मिला। एक दिन अचानक ऋषि गौतम मिले। राजा उन्हें देखकर प्रसन्न हुआ, प्रणाम किया, कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन में गहन दुख है, इसके निवारण के लिए उपाय बताएं। ऋषि गौतम ने कहा, हे राजन, एक हफ्ते बाद अजा एकादशी है, उस दिन व्रत करो, तुम्हारी सारी परेशानियों का नाश हो जाएगा। ऋषि के कथानुसार राजा ने विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को उसका राज्य वापस मिल गया। मृत्यु होने पर वो राजा बैकुंठ धाम गया। बता दें कि अजा एकादशी की कथा पढ़ने सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।